जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ। अभी हम हैं मध्य राजस्थान, ये जहाँ पे मैं हूँ ये राजस्थान का सेंटर है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इधर तो ऊँट भी है इधर, और ये एकदम सैंडी तो नहीं कह सकते मगर थोड़ा सा पठारी टाइप का क्षेत्र है और पानी की यहाँ विशेष कमी है जो मैं देख रहा हूँ पिछले दो दिन से। अरे वाह, ऊँट ये काटता भी है ना, मैंने सुना है। कभी 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 काटता है। हाल लगाओ सर, एक बार देखे वो काट लेगा। नहीं ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये ऊँटनी है ऊँटनी। मार दिया तो नहीं, नहीं आगे आगे पीछे जाओगे तो ये हो सकता है, लाती मार सकते हैं। हाँ। ये रिस्क नहीं लेना। हाँ। उसको बैठने दे यार बेचारा, वो बैठ जाएगा। हाँ तभी तो। अच्छा देखो, इसके लिप्स इस तरीके के बनाए हैं कि उन पर बाल हैं ताकि धूल और अंदर ना घुसे, और नाक जो है उसमें भी रुएं हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ऊँट को इतने करीब से मैंने पहली बार देखे है ना, तो मौका नहीं पड़ा देखने का लाइफ में। चले भाई भाई। अच्छा तो हम बात कर रहे थे, ये जगह क्या है आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? ये है जो हमारे पशुओं के लिए पानी की टकरी है। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं सभी से, आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं और हम कहाँ पे हैं? गाँव कश्मीर राजस्थान से, नागौर जिले के राजेंद्र राड़ हमारे गाँव में सर आए हैं। तो ये हमारे जो गांव का जो बैम्बू प्लांटेशन के लिए, बैम्बू जो भी है जी उनके लिए। तो इसके बारे में बताओ मुझे, ये सामने क्या दिख रहा है? ये हमारे गांव की तलाई है। ये तलाई है मतलब तलाई है ना, इसको जहाँ पानी, हम इसको आमतौर पर तलाई बोलते हैं, यानी पानी इकट्ठा होता है। जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता चला है तो इसका जो नीचे का पानी है, ये थोड़ा इधर रखना, इसका जो नीचे का पानी है वो तो जानवरों के काम आता है। राइट। हाँ राइट। और जो ये ताल में बने हुए हैं, हाँ, इनका पानी औरतें लेके जाती हैं घर के यूज के लिए। यूज के लिए यार डिफिकल्ट लाइफ है ना। अच्छा लोग यहाँ बारिश का पानी भी प्रिजर्व करते हैं घर में। हाँ, हाँ, मैंने देखा आपके करते करते छत पे पूरा पानी लेके नीचे आता है, वो ही पीने में काम आता है। इनमें पानी होगा अभी? होगा अभी। अच्छा ये पानी फिर यूज होता है कपड़े धोने और इस चीज के लिए, और इन से सारे तालाब में उसमें कौन से वाले में बता रहे थे चले गए उधर, ये दो रुपए। अच्छा चलो, तो ये है ताल। ये पीपल का पेड़ कितना पुराना है? बहुत पुराना, ये कम से कम 20-25 साल पुराना है। नहीं ज़्यादा ही है। ज़्यादा है, उससे ज़्यादा हो गया। मैं जब से मैं छोटा बड़ा हुआ ना तब से देख रहा हूँ इसको। अच्छा मिट्टी है जो तालाब की मिट्टी है ना, ये पूरा वो सफ़ेद वाला मिट्टी है, पिंडोल टाइप का मिट्टी जो बोलते हैं जी सर। ये पानी मीठा होगा तालाब का? एकदम मीठा, बारिश का पानी है सर ये। अच्छा बारिश का है। ये बेजुबान जानवरों के लिए काम आता है सर। जी सर बहुत बढ़िया। लेकिन अभी यहाँ पे टेम्परेचर मेरे ख्याल से 37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ये शो कर रहा है। गर्मी इसका मतलब जबरदस्त वाली है वो बहुत, अभी तो कम है, शुरुआत है, शुरुआत है इसकी अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पर एक्चुअली हैवी तो हम मिडिल ईस्ट, हाँ सॉरी मध्य राजस्थान के अंदर खड़े हैं। तो भी अच्छा ये भी तलाई है जी सर। तो ये इसमें लोग जाते नहीं है के अंदर? हाँ कभी जब पूरी भर जाते हैं तो नहाने के लिए रेवाड़ी गैस, एक हमारा जो गैस होते हैं ना, हाँ रेवाड़ी गैस, हाँ तब यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा नहाने के लिए सब व्यवस्था होती है। हाँ और ये जो बनाया हुआ है इसमें अंदर जाने के लिए? हाँ ठाकुर जी भगवान के मंदिर से ठाकुर जी मूर्ति लेके आते हैं इधर। अच्छा उसके बाद उनको नहलाते हैं। अच्छा, सब लोग साथ में नहाते हैं। तो जितने भी तालाब के बने हुए हैं इन सभी में ये मीठा पानी है, मीठा पानी के लिए। और ये जो नालियाँ बनी हुई हैं, हाँ ये भी एक पहले पशुओं के लिए होता होगा। हाँ होता है, इसमें से रह थोड़ा पानी निकाल के यहाँ पे डाल के ये सीधा पशु पानी पी सके। हाँ वही बहुत बढ़िया। ये पुरानी व्यवस्थाएं हैं, पुरानी व्यवस्थाएं हैं। हाँ किस तरीके से लोग राजस्थान में अपने आप को सरवाइव करते थे। और वो जो अभी दिख रहे हैं ना आपको, हाँ उधर वो एक बनिया ना पशु के लिए, हाँ चारों तरफ, हाँ उसमें तो अभी भी जब ये सूख जाते हैं ना तलाई, उसके बाद उसमें पानी भरते हैं पशुओं के लिए। अच्छा ये जो लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला दिख रहे हैं वो, हाँ जिसपे बिजली का खंभा जैसा लगा हुआ है, दो उसमें क्या करते हैं? उसमें जब ये
पानी सूख जाता है ना, तो उसमें से निकाल के फिर पशुओं के लिए उस खेली में भरते हैं। अच्छा, फिर पशुओं को पिलाते हैं। ये वो पानी के भरने के लिए हम उसको खेली बोलते हैं, खेली। ओके, ये जो बना हुआ है कुआ, हाँ, इसको मतलब इसमें हमेशा पानी होता है इन चारों में, हाँ, ये सूखने के बाद भी, हाँ, तो इनमें से यूज वो उसमें फिर नीचे से पानी आता है। अच्छा, जरे का। अच्छा, उसमें से नीचे से निकलता है पानी, हाँ, और बाकी में इनमें इनमें भी निकलता है सर, नीचे जमीन का पानी आता है, इनमें भी जमीन का पानी आता है। कुल मिला के ये पानी के संकट को दूर करने के लिए एक अच्छा आप लोगों ने लाइफ लाइन है कुल मिला के ये कह सकते हैं गाँव की। जी सर। और इस गाँव में तकरीबन 6 से 7 हज़ार बोट हैं और काफी बड़ा गांव है, ये चार भागों में बटा हुआ है, एक ही गांव कसुम्बी गांव है, कसुम्बी उपादरा, कसुम्बी उपादरा, कसुम्बी जाकला और कसुम्बी लुपीर और कसुम्बी नलिया। हाँ, तो ये चार गांव का एक गांव है और बड़ा जबरदस्त तरीके से, और यहाँ लोगों के प्लांटेशन का लोगों में शौक है। आज मैंने लोगों से बैम्बू पे बात किया तो लोगों की समझ में आया बांस, तो वो कह रहे हैं कि जी हम प्लांटेशन करेंगे, आप यहाँ पे स्टार्टिंग करवाओ, तो जुलाई के महीने में आके यहाँ पे प्लांटेशन करवाएं। आज और क्या है कुछ ऐसा विशेष यहाँ देखने लायक?